सर कैसा लगा आपको इफ्तार डिनर? यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा। इफ्तार में बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, हमने पूरी फैमिली ने, और डिनर में भी। तो इफ्तार डिनर हम रिकमेंड करेंगे कि आप लोग भी यहाँ पर आके इंजॉय करें। और कितने नंबर देना चाहेंगे? नहीं, फूड को तो 10 out of 10 दूंगी मैं, मुझे तो अच्छा लगा जी। और डेजर्ट वगैरह कैसा लगा? डेजर्ट वगैरह सब बेस्ट था। एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको? नहीं, एनवायरनमेंट बेस्ट है, स्टाफ बेस्ट है, सब बेस्ट है, गुड। कि शक्ल से कितने भोले और कितने मासूम दिखते हैं, और क्या हुआ शादी का ज़माना बीत गया, माशाल्लाह से आज भी कवारे दिखते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मुझे और मैं हूं आपका होस्ट कामरान शफीक, और आज मैं आपको लेके आया हूं बहुत ही यूनिक जगह पे, बड़ी ही आउट क्लास और बहुत ही लैविश एनवायरनमेंट के साथ। आज हम मौजूद हैं महाराजा में, और महाराजा की क्या ख़ासियत है, यहां पे जो बुफे सिस्टम लगा हुआ है, तो कैसे हो सकता है कि हम आपको महाराजा का बुफे नहीं दिखाएँ। तो इसीलिए आज हम मौजूद हैं महाराजा के खूबसूरत से बुफे सिस्टम में, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ इनका बेहतरीन आउट क्लास बुफे, जो कि सैरी के हवाले से भी और अफ्तार के हवाले से भी है। तो क्या क्या इस बुफे में आपको आज दिखने वाला है, कितनी डिशेज़ हैं यहाँ पे जो कि यहाँ पे चल रही हैं, और क्या फूड क्वालिटी है, नो डाउट बहुत अच्छा मैंने सुना है और बहुत ज़बरदस्त होती है। ये एक्चुअली लोकेशन है नॉर्थ नज़ामाबाद की, और इसके अलावा लोकेशन मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, सब्र का मुजाहिरा रखें, इंशाल्लाह वीडियो आपके पास बिल्कुल आ जाएगी, आप लोग परेशान नहीं हुए। और उसके बाद फिर जो बुफे यहाँ पे आने वाला है, जो बुफे है, बुफे के हवाले से लोग क्या कहते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का खूबसूरत मज़े के खाने क्या हैं। आइए, व्यूअर्स स्टार्ट लेने जा रहे हैं। तो ये देखें बुफे जो है वो इस वक्त, क्योंकि अफ्तार का टाइम है, अफ्तार के वक्त जो है यहाँ पे जो बुफे लग रहा है वो अफ्तार के हिसाब से। इस वक्त पकोड़े आप देख सकते हैं, पकोड़े आपके सामने डिस्प्ले पे आ गए हैं। पकोड़े के बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। नेक्स्ट ये आपके पास जो है वो चिकन सैंडविच यहाँ पर मौजूद है, और ये भी रेडी है, छोटे छोटे खूबसूरत से क्यूट से बनाए हुए हैं। और यही खूबसूरत से क्यूटनी सी चीज़ आपको एक आगे भी दिखेगी, ये है बन, छोटा सा बर्गर आप इसको कह सकते हैं। ये एक्चुअली चिकन चीज़, इसमें चिकन भी ऐड है, चीज़ वगैरह ऐड हुई है, चिकन चीज़ छोटा सा बर्गर इन्होंने बनाया है। ये एज़ यूजुअल रोल, आपको पता है ये जो रोल हैं ये हैं एक्चुअली वेजी रोल्स हैं, और वेजिटेबल रोल्स। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, ये थोड़े से स्पेशल रोल हैं जिन्हें कहते हैं स्प्रिंग रोल्स, और ये चिकन फीड होता है इसमें, जो कि चिकन फीड के स्प्रिंग रोल्स कहलाए होते हैं, खूबसूरत से डिज़ाइन के साथ, खूबसूरत भरपूर दिखने के साथ। उसके बाद फिर खाने में भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ये आपके सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये एज़ यूजुअल कीमे के समोसे, थोड़ा सा साइज़ छोटा होता जा रहा है महंगाई की वजह से, लेकिन अच्छे हैं, एक डिज़ाइन है और खूबसूरत लुक है। और फिर ये आ गया इनका पैरी पैरी, और ये पैरी पैरी जो है ये बहुत ही एक स्पेशलिटी आप इसको कह लें, तो ये चीज़ होती है, और इसमें क्या चीज़ ऐड होती है मैं आपको वैसे दिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी खा के नहीं दिखा सकता, रोज़ा है भाई, रोज़े के बाद दिखाऊंगा क्या चीज़ होती है, अफ्तार के टाइम पर दिखाऊँगा। और मज़ीद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे भी यही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन एक और चीज़ है वो है गोल गप्पे, और यहाँ पर गोल गप्पों का भी जो है वो ऐड हो रहा था। उसके अलावा अभी नेक्स्ट पे जो है इसके ही बराबर में अगर आप देखेंगे, तो ये आलू के जो पकोड़े होते हैं, जिन्हें आलू के पकोड़े कहा जाता है, ये क्रिस्पी से लुक के साथ, क्रिस्पीपन इसमें होता है, इसलिए ये बन रहे होते हैं, बड़े क्रिस्पी लग रहे होते हैं। तो ये आप जो है
आप देख लें ये खूबसूरत सा लुक। उसके बाद नेक्स्ट दिखाता हूँ मैं आपको, ये बच्चों के हवाले से भी एक चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। बच्चे बहुत शौकीन होते हैं ये फ्रेंच फ्राइज खाने की, और आजकल जो है न्यू स्टाइल आ गया है, आप देख सकते हैं ये एक न्यू एक ट्रेंड आ गया आजकल इसको कटिंग का, एक नया जैसे जैसे चीज़ें अपडेट हो रही हैं ये भी अपडेट हो गई है भाई। तो ये चीज़ भी आपके सामने है, आप देखें माशाल्लाह से। उसके बाद आपको अगर मैं मज़ीद दिखाऊँगा तो ये चीज़ें और मज़ीद ऐड होंगी। एक गोलगप्पे, गोलगप्पों में ये एज़ यूजुअल भाई ये तो आपको नज़र आ जाएंगे, देख लें चना जिन्हें कहा जाता है, ये चना है। चना के बाद जो है वो आप देखेंगे नेक्स्ट, ये है आलू, आलू है, हाँ आलू है क्योंकि अभी पैक है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ तो ये गोलगप्पे हैं भाई, और देख लें गोलगप्पे बिल्कुल आपके सामने इस वक्त सही सलामत हैं, रोज़े के बाद ये आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि गोलगप्पों के बाद ये मुझे भी नज़र नहीं आ रहा अंदर क्या है, क्योंकि अभी इसमें कुछ चटनियाँ होंगी, ये वो एज़ यूजल चटनी होगी, और चटनी के बाद वो जो गोलगप्पों का पानी होता है ये वो है, और ये दो चीज़ें मज़ीद हैं जो कि आप गोलगप्पे यहाँ पे बनाते हैं। और गोलगप्पों के बाद जो है वही सारी चीज़ें जो है आगे भी मज़ीद बुफे में लगा दी गई हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा सेटअप है। इसके बाद जो है यहाँ पे खाने का सेटअप होगा तो वो चीज़ें भी चलेंगी। अभी इफ्तार का, इफ्तार के हिसाब से डबल सेटअप हुआ है माशाल्लाह से, ताकि जितनी भी ऑडियंस है वो कहीं पे कुछ मिस ना करे और हर चीज़ को अवेल कर ले। तो माशाल्लाह से बुफे जो है सज चुका है, उस वक्त मैं आपको दिखा चुका हूँ बुफे में काफ़ी सारी डिशेज़ आपके सामने आ गई हैं। और उसके अलावा हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर जो है फ्रूट चाट के हवाले से, जो लोग फ्रूट्स खाते हैं इफ्तार के लिए वो भी यहाँ पर मौजूद है। मुझे आइडिया नहीं हो रहा ये मीठे के हवाले से कुछ, यानी डिज़र्ट वगैरह के तौर पर इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा ये जो है मुझे ज़राए से पता चला है कि ये डायनामाइट फूड यानी कुछ कहला रहा होता है, और बराबर में जो इसके वो है डायनामाइट फूड में पता नहीं क्या होगा ये। और ये जो है ये भी फ्रूट का ही है, फ्रूट से रिलेटेड ही है, और ये एक्स्ट्रा फूड खा रहे होते हैं, ये पता नहीं इसका क्या नाम इन्होंने बताया, अजीब सा नाम है बाहर, लेकिन डिश बड़ी प्यारी लग रही है। मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा इसमें क्या क्या है, फ्रूट ही इसमें सारे ऐड हुए हैं। उसके बराबर में भी आप देख लीजिए, देखिए रूह अफ़ज़ा जो है एक तरफ उन्होंने लिक्विड वैसा रख दिया, दूसरी तरफ जो है वो मिल्क वाला जो दूध वाला होता है वो भी रख दिया है। तो ये चीज़ें भी ऐड हैं, उसके अलावा और भी मैं आपको मज़ीद दिखा देता हूँ, पर अफ्तार करना है सब पे फ़र्ज़ है। तो ये जो है वो सूप है, आप देख सकते हैं चिकन कॉर्न सूप बेहतरीन किस्म का आपको दिख रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, नेक्स्ट जो है वो भी सूप ही है, और ये थोड़ा सा स्पाइस कम जो सादा होता है सूप वो है, ये देख सकते। व्यूअर्स आप देख रहे हैं ये जो है इस वक्त ये टिक्का बोटी है, टिक्का बोटी लगी हुई, टिक्का बोटी, और टिक्का बोटी के बराबर में मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कबाब, कबाब लगे, कौन से कबाब है, सीख कबाब आ गए, सीख कबाब के बराबर में बिरयानी, चिकन बिरयानी, और मंचूरियन, साशे का क्या, साशे अच्छा इस वक्त व्यूअर्स आप देख रहे हैं बिरयानी आपको मैं दिखा चुका हूँ, बिरयानी वैसे भी, उसके बाद फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आ गई साशलेक, साशलेक के बाद आ गए फ्राइड राइस, फ्राइड राइस आपको पूरी डिश आपके सामने आ जाएगी। फिर उसके बाद ये आ गया है चिकन फ्राइड, ये चिकन सॉरी चिकन जो है बॉयल चिकन के तौर पे ऐड है। फिर चिकन कढ़ाई है यहाँ पे, चिकन कढ़ाई के बाद जो है हलीम है, हलीम के बाद जो है आपको ये डिश आपके सामने आ गई चाइनीज़ को मैंने आपको दिखाया था, और फिर से हम वही चीज़ रिपीट हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो रोटियाँ हैं,
और पूरी पराठे जो कि आपके सामने आ रहे होंगे इस वक्त, पूरी पराठा भी, और ये ऑलमोस्ट सारा बुफे यहाँ पे जो था वो लगा हुआ। उसके बाद डिज़र्ट जो है, डिज़र्ट मैंने आपको दिखाया मीठे में। व्यूअर्स आप देख लेंगे, सारी पेस्ट्रीज हैं और ये तमाम पेस्ट्रियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, आपको नज़र आ रही है। ये भी देख लें आप, ये आपको दिख रही है ब्राउनी टाइप। मैं आपको खा के दिखाऊँगा, अभी बता तो रहूँगा। तो क्या है ना, वो कहावत आपने सुनी होगी, ट्रेंड छूट जाती है, और यहाँ पे इस वक्त ऐसा ही हो रहा है, रश बहुत है और ट्रेंड छूट के मैं खा के दिखाऊँ। तो चॉकलेट फाउंटेन से जो मुझे मिल गया, ये है चॉकलेट ब्राउनी और विथ क्रीम, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें भाई, ये कैसे खाएंगे आप, इसमें टूथ पे लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग जो है बच्चा पार्टी, आप लोग खाइएगा इसको। तो ये जो है आप इस पर पहले लगाएंगे ऐसे टूथ पीस से, इसको आप उठाएंगे, इसको फिर आप ये पूरा चॉकलेट फ्लेवर कर दोगे, ये और ये होगा यमी चॉकलेट विथ क्रीम। ये है चॉकलेट विथ क्रीम। ऑलमोस्ट सारा डिज़र्ट आपके सामने है, तमाम पेस्ट्रीज केक वगैरह यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके अलावा बच्चों के हवाले से भी यहाँ पे देखें, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों के लिए, ये आप देख सकते हैं, ये भी मौजूद हैं। और उसके अलावा बच्चों के हवाले से, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुक जाओ बस, ये भी यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये फिर चीज़ें बचती नहीं है, उसके बाद सब ख़त्म हो जाता है। आपकी दीद को हम अपनी ईद कहते हैं, आरजू ये कहती है और अरमा ये कहते हैं। आप आए महाराजा रेस्टोरेंट में लेकर तशरीफ, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। शेर अर्ज करेंगे हमारे नवाब साहब के लिए, कि इनके लिए कहते हैं कि फैसला जो भी है मंजूर होना चाहिए, ठीक है, कि फैसला जो भी है मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग भरपूर होना चाहिए। और तमाम उम्र बीत गई इन हाथों को पत्थर तराशे हुए, अब तो अल्लाह से यही दुआ, इन हाथों में भी कोहे नूर होना चाहिए। माशाल्लाह है उनके पास, भाई साहब के पास। और एक शेर आपके लिए अर्ज करेंगे सर, क्या आपके लिए कहते हैं कि शक्ल से कितने भोले और कितने मासूम दिखते हैं। ये पहले ये बताओ, शेर ही बोल लो ना। अच्छा, कि शक्ल से कितने भोले और कितने मासूम दिखते हैं, और क्या हुआ शादी का जमाना बीत गया, माशाल्लाह से आज भी कवारे दिखते हैं। सर कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, मुनासिब इंतज़ाम है यहाँ पर, और 42 डिशेस की जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है वो उसको उन्होंने कोशिश की है मीट करने की। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ डिशेस जो थी वो वाकई में अच्छी बनी हुई थी। अच्छा, मुझे लगा आप कहने वाले कुछ डिशेस कम थी, आपने कहा कुछ डिशेस अच्छी थी। नहीं नहीं, कुछ डिशेस जो है वो अच्छी बनी हुई थी, बाकी जो थी वो एवरेज है। कितना, यानी 10 आउट ऑफ कितना नंबर देंगे? आई बिलीव 7। और डिज़र्ट वगैरह सब अच्छा लगा? अच्छी थी। डिज़र्ट को अगर रेट करना चाहें अलग से तो 10/9। चलिए, तो गुड हो गया, थैंक यू वेरी मच। इसमें तरन्नुम नहीं तो कुछ भी नहीं, और ये नज़ारे हो ला के खट्टा खुदा की कसम, जिस महफिल में मैडम नहीं तो कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लगा आपको खाना? अच्छा था, गर्म था खाना, बहुत अच्छा था, बाकी हर चीज़ अच्छी थी, सब प्रॉपर था। कितने नंबर देना चाहेंगे 10 आउट? सिर्फ फूड में दूंगी तो 10 आउट ऑफ 8। और डिजर्ट में करूँगा तो? डेजर्ट में 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10, अच्छा लगा, मीठा अच्छा था। जी जी, अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लगा आपको? इन्वायरमेंट भी अच्छा है, फूड भी अच्छा था, बस सर्विस थोड़ी स्लो थी, बाकी बेस्ट। और कितने नंबर देना चाहेंगे? नहीं, फूड को तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगी मैं, मुझे तो अच्छा लगा जी। और डेजर्ट वगैरह कैसा लगा? डेजर्ट वगैरह सब बेस्ट था। इन्वायरमेंट कैसा लगा आपको? नहीं, इन्वायरमेंट बेस्ट है, स्टाफ बेस्ट है, सब बेस्ट है, गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसा लगा आपको इफ्तार डिनर? बहुत अच्छा, यहाँ पर हम लोग यहीं रहते हैं, हैदरी में रहते हैं, और यहाँ हम हैदरी सुपर मार्केट पर शॉपिंग करने आते हैं। हमने अक्सर देखा था कि ये जो है नया महाराजा खुला है, वो तो दूसरे दौर खुले में, यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इफ्तार में बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, हमने पूरी फैमिली ने, और डिनर में भी। तो इफ्तार डिनर हम रिकमेंड करेंगे कि आप लोग भी यहाँ पर आकर इंजॉय करें और यहाँ के खानों से लुत्फ अंदोज हो। बाकी ओवरऑल सब कुछ अच्छा था। कितने नंबर देने चाहेंगे 10 में से आप? मैं पहले 10 में से 8 दूंगा, 10 में से 10 इसलिए लूँगा कि ज़ाहिर है जो मेरी अपनी, मुझे सबसे जो बेस्ट लगी वो कढ़ाई लगी। कढ़ाई लगी आप? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन।
थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैनेजर साहब, जो कि ऑलमोस्ट पूरा फ्लोर जो है कवरेज कर रहे होते हैं, पूरे फ्लोर में देख रहे होते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले जानते हैं उनका नाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम भाई? मोहम्मद उज़ैर। उज़ैर भाई, ये बताएं कि माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन जो है बुफे का स्टार्टअप हुआ है, पब्लिक जो है वो आई जा रही है, क्राउड माशाल्लाह बहुत अच्छा है आपके पास, तो इतनी सारी ऑडियंस को कैसे मैनेज कर रहे हो? बस मैनेज कर लेते हैं क्योंकि हमारा काम है, और ये अभी फर्स्ट ईयर तो है नहीं, सेकंड ईयर है माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह आगे भी इस पर वर्किंग चलती रहेगी और लोग आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय तो कर रहे हैं, एक महाराजा भी घूम रहे होते हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा वीडियो में भी आ रहे होंगे आपके पास। वो लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हैं क्योंकि लोग आते हैं तो एक उनका मकसद होता है कि हम कहीं पर भी जाएँ खाने पीने के लिए तो हम एंटरटेन हो, तो अगर एंटरटेनमेंट उनको मिलती है तो ऑब्वियसली सी बात है खुश होकर जाते हैं सब। ऐसे ही हो रहा है, वो खाने के साथ साथ घूम रहे, तो एक अच्छा माहौल बनाया हुआ था उन्होंने भी। तो ये तो हो गई माशाल्लाह 42 प्लस डिशेस हैं आपकी, ये कंफर्मेशन? एग्जैक्टली ऐसे ही है, 42 प्लस डिशेस हैं हमारी बुफे में, ठीक है। इसका जो है पर हेड है एडल्ट्स में आता है 1699, और इसमें किट्स जो हैं वो हम ले रहे हैं 1299 पर हेड, एक्सक्लूसिव टैक्स। एक्सक्लूसिव टैक्स हो रहा है। तो भाई आपके सामने आ चुका है कि 1699 पर हेड पे आप लोग यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही लैविश इन्वायरमेंट है, बड़ा प्यारा एक होता है ना कि यार ओपन इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, ओपन स्पेस इन्वायरमेंट है, वहाँ पे बैठ के आप अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और अच्छा, आगे कुछ ऐसा है कि जैसे अगर मैं सोच रहा हूँ, जो व्यूअर्स सोच रहे हैं कि भाई 42 से प्लस कुछ डिशेज हो जाए आगे? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ये हमारी इनफ है डिशेज, क्योंकि आपको पता है रमज़ान भी एंड होने वाले हैं और ये हम लोगों ने काफ़ी टाइम से हमारी यही सिलसिला चल रहा है, तो अभी वर्किंग देखें मैनेजमेंट की, जो वर्किंग होती है फिर उस पर वर्किंग करेंगे। चलिए, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात हो गई है। अच्छा, लोकेशन जो है मेरे जितने चाहने वाले ना बड़े लोकेशन का बताते हैं, तो लोकेशन सबको क्लियर कर दें कहाँ पर उनको आना, क्या लोकेशन है? KDA की चौरंगी है नाजमाबाद पे, सैफी हॉस्पिटल, उससे आप जब जियाउद्दीन की तरफ आएंगे तो बच्चा पार्टी आएगा, उसके बिल्कुल बराबर में ही है, उसके बराबर में हैदरी सुपरमार्केट भी है और बीच में महाराजा रेस्टोरेंट बना हुआ। अगर कोई गुलशन से आ रहा हो तो उसका ही बताएं? गुलशन से अगर आ रहा होगा तो करीमाबाद वाले रोड से बिल्कुल सीधा आ जाए, यहाँ पे जियाउद्दीन की रोड से सीधा आएंगे तो हैदरी सुपरमार्केट के बराबर में आएगा। भाई ये उज़ैर भाई ने जो है बड़ी बेहतरीन क्लियर एकदम लोकेशन बताइए, प्लीज़ यार प्लीज़ लोकेशन का मत पूछना, आपके पास बिल्कुल सामने आ चुके हैं KDA मार्केट पे आप, बस KDA मार्केट बहुत मशहूर है, KDA मार्केट से पहले ही है और बच्चा वाड़ी के बराबर में है, सैफी हॉस्पिटल वगैरह सब बता चुके हैं उज़ैर भाई, और करीमाबाद से सीधा रोड आप अंदर आएंगे तो ये आपको लोकेशन मिल दिख जाएगी महाराजा, बहुत ज़बरदस्त और लैविश इन्वायरमेंट है यहाँ पे, आप फैमिली के साथ इन्जॉय कर सकते हैं, बहुत प्यारा पुरसकून माहौल है। उसके साथ ये डील जो है वैसे ये कन्फर्म कर दिया कि रमज़ानों तक चल रहा है, रमज़ानों तक चल रहा है बुफे, ठीक है, रमज़ानों के बाद फिर हमारा अलाकार्ट सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, वो भी चल रहा है, अलाकार्ट सिस्टम भी चल रहा है लेकिन वो इफ्तार और बुफे के टाइम पे नहीं है, इफ्तार और बुफे के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इफ्तार मेन्यू है। और ये चांद रात को जैसे अगर होता है तो क्या होगा? ये चांद रात तो नहीं, उससे दो तीन दिन पहले हम लोग वाइंड अप कर देंगे क्योंकि हमें फिर अपने मेन्यू सिस्टम की भी तैयारी करनी है अलाकार्ट पे, तो फिर उसके बाद ईद का सिलसिला शुरू हो जाएगा, तो फिर उसके बाद अलग रश होगा यहाँ पे लोगों का इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच उज़ैर भाई, बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आपने सुना कि भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे 42 प्लस डिशेस जो कि आपने खाने, फूड क्वालिटी अगर मैं कहूँ तो बहुत अच्छी है और मुझे भी बहुत मज़ा आया, फूड क्वालिटी मैंने आपको दिखाई, डिज़र्ट्स बहुत ज़बरदस्त है, डिज़र्ट्स का किसी ने भी जो है पॉजिटिव कोई ऐसे नहीं आया कि भाई डिज़र्ट में जो है वो चीज़ ये हो रहा है ये हो रहा है, बहुत लैविश डिज़र्ट है, बहुत बेहतरीन केक सारे रखे हुए थे और भी मज़ीद सारी चीज़ें हो सकती हैं इंशाल्लाह, लेकिन बहुत ज़बरदस्त एक सेटअप रहा है और बहुत प्यारा इन्वायरमेंट रहा है, इस इन्वायरमेंट बैठ के आप खाते हैं तो ओपन स्पेस इन्वायरमेंट, फैमिली के साथ आइए इन्जॉय कीजिए। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आज की एपिसोड हमें ज़रूर बताइएगा, एज यूजुअल लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक कर देगा ताकि आपको इतनी प्यारी प्यारी खूबसूरत वीडियो देखने को मिलती रहे। महाराजा का बुफे मैं आपको दिखा चुका हूँ और मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा, लोकेशन भी आपको क्लियर हो चुकी होगी। मुझे दीजिए इजाज़त इस अपने पन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अल्लाह हाफिज़।